आज हमने क्या उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी खबरें, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देश भर की खबरों की। तो चीन से नहीं होगी सरकारी खरीद, टेंडर में हिस्सा नहीं ले पाएंगी चीनी कंपनियां। तो चीन की कंपनियों से अब कोई भी सरकारी खरीद नहीं होगी, चीन की कंपनियां सरकारी टेंडर में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। गुरुवार देर रात वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से जारी नए नियम से ऐसा संभव होता दिख रहा है। इसी के साथ खबर आई है सेना में अब शक्ति को स्थायी कमीशन। तो भारतीय सेना में महिला शक्ति को स्थायी कमीशन का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को युद्धक इकाई के अलावा सेना के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को स्थायी कमीशन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इस खबर आई है पेंशनरों को राहत, सितंबर तक जीवन प्रमाण पत्र देने से छूट दी गई है। तो राज्य के पेंशनरों को सरकार ने फिर बड़ी राहत दी है, उन्हें जीवन प्रमाण पत्र जमा के लिए दी गई छूट बढ़ाकर के सितंबर माह तक कर दी है। खबर आई है दुनिया देखेगी देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरती। तो मुख्यमंत्री ने कहा है तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल व नमामि गंगे परियोजना का सीएम ने निरीक्षण किया है। वहीं प्रधानमंत्री करेंगे योग नगरी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के पहले रेलवे स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश का उद्घाटन करने स्वयं प्रधानमंत्री ऋषिकेश पहुँचेंगे। दो दिनी लॉकडाउन पर डीएम के फीडबैक पर फैसला आज। तो चार जिलों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जारी रखने या नहीं रखे जाने को लेकर के सरकार मंथन कर रही है। जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को इस संबंध में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर के शुक्रवार तक फीडबैक देने के निर्देश मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने दिए हैं। पौड़ी के दो कॉलेजों में बीएड बंद होने की नौबत। तो घटती छात्र संख्या से कॉलेजों में स्टाफ का वेतन निकालना भी मुश्किल हो गया है। तो सरकारी डिग्री कॉलेजों में स्ववित्त पोषित बीएड पाठ्यक्रमों पर संकट खड़ा हो गया है। छात्र संख्या तकरीबन 60% घटने से पौड़ी जिले के नैनीडांगा और बेदीखाल डिग्री कॉलेज में इस पाठ्यक्रम के बंद होने की नौबत आ गई है। इस खबर आई है 33 इंटर कॉलेजों को जल्द मिलेंगे स्थायी प्रधानाचार्य। तो प्रदेश में 33 राजकीय इंटर कॉलेजों को जल्द स्थायी प्रधानाचार्य मिलेंगे। पदोन्नति को लेकर के सरकार के निर्देशों पर अमल करते हुए शासन ने प्रधानाचार्यों की डीपीसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। एक माह के भीतर होगी दरोगाओं की पदोन्नति। तो शासन ने वर्ष 2018 में बनाई गई पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक नियमावली में पुलिस मुख्यालय द्वारा भेजे गए संशोधन प्रस्ताव को दरकिनार कर दिया है। शासन ने पुलिस मुख्यालय को एक माह के भीतर पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया सुनिश्चित कर इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और खबर आई है हर हाल में होगी फाइनल वर्ष की परीक्षाएं। तो निशंक ने कहा है, तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों की फाइनल परीक्षा हर हाल में कराई जाएगी। इस खबर आई है 3 मरीजों की मौत, 145 नए संक्रमित मिले हैं। तो कोरोना के लिहाज से उत्तराखंड के हालत हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अब न सिर्फ कोरोना मरीजों की संख्या बल्कि मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को 3 मरीजों की मौत हो गई जबकि 145 नए मामले सामने आए। 1 जुलाई यानी माह की शुरुआत से यहां मरीजों की तादाद 3000 से नीचे थी, अब यह 5,500 के करीब पहुँच गई है। वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पर देहरादून में 2 सीआरपीएफ जवान सहित 5 नर्स भी कोरोना संक्रमित मिली हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में जांच पूरी, 425 कोरोना संक्रमित मिले हैं। खबर आई है ड्यूटी से गायब चिकित्सकों को नोटिस भेजा गया है। स्मार्ट सिटी से पंजीकरण कराने वालों को ही प्रवेश। तो कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब सरकार ने यह व्यवस्था की है कि एक दिन में स्मार्ट सिटी के माध्यम से अधिकतम 1500 लोगों का ही पंजीकरण कराया जाएगा। लिहाजा देहरादून से भी इस व्यवस्था का अनुपालन कराने को जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं खबर आई है सुबह चटक धूप, शाम को झमाझम बारिश हुई है। तो दून में गुरुवार को सुबह से धूप खिलने के बाद शाम होते होते गरज के साथ झमाझम बारिश हुई। वहीं अभी तक 20% कम बरसे हैं मेघ। बकरीद पर नियम तोड़े तो दर्ज होगा मुकदमा। तो बकरीद की तैयारियों को लेकर के बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है, ऐसे में पुलिस भी अभी से अलर्ट हो गई है। डीआईजी अरुण जोशी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि त्यौहार पर शासन की ओर से कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के साथ ही दिए गए अन्य निर्देशों का 100% पालन कराए और ऐसा न करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाए।
बकरीद पर ईद में नमाज की मांगी अनुमति, तो दून में ईद उल अजहा यानी बकरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद संगठन ने गुरुवार को जिलाधिकारी से बकरीद के लिए गाइडलाइन जारी करने की मांग की है। देहरादून में किशोरी और महिला ने की आत्महत्या, तो शहर में एक किशोरी और एक महिला ने आत्महत्या कर ली। पहला मामला कैंट कोतवाली का है जहां किशोरी ने फांसी लगाई, जबकि दूसरा मामला राजपुर थाना क्षेत्र का है जहां महिला ने घर में जहरीला पदार्थ खा करके जान दे दी है। खबर है हरियाली, तीज हाथों में रचाई मेहंदी, उल्लास के साथ तीज का त्यौहार मनाया गया है। वहीं खबर आई है जमीन के नाम पर सिपाही से 12.5 लाख रुपए ठगे गए हैं, तो देहरादून से खबर है जहां पे जमीन की दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति ने महिला सिपाही से 12.5 लाख रुपए हड़प लिए। सिपाही की शिकायत पर राजपुर थाना में पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और मसूरी से खबर है जहां पे मसूरी में होम स्टे संचालक व 3 पर्यटकों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है, तो कोविड जांच रिपोर्ट नहीं और वैध पास न होने पर होटलों में ठहराने पर मसूरी के होटल संचालक और 3 पर्यटकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी तरह खबर आई है बिल की सीमा 250 रुपए और खर्च कर दिए 10,900, तो कोरोना काल में आमदनी घटने के बाद परिवहन निगम ने खर्चों में कटौती के साथ फजूल खर्ची पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में निगम मुख्यालय ने मोबाइल के बिल पर अनुमन्य सीमा से अधिक खर्च करने वाले 27 डिपो मंडल कार्यालय और कार्मिकों को चिन्हित कर अतिरिक्त धनराशि की कटौती का आदेश जारी किया है। और खबर आई है टनकपुर से जहाँ पे नो मेस लैंड में पिलर व तारबाड़ हटाएगा नेपाल, भारत से मांगा समय, तो भारत नेपाल सीमा पर नो मेस लैंड पर नेपाल की ओर से पिलर का निर्माण किए जाने का मामला तूल पकड़ गया है। गुरुवार को भारत व नेपाल के अधिकारियों ने मौके पर जाकर के संयुक्त निरीक्षण किया। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इस मामले में बातचीत भी हुई। सशस्त्र सीमा बल SSB कमांडर ने नेपाल के अधिकारियों से जल्द पिलर उखाड़ने को कहा है। और खबर आई है टांगा गांव में मलबे में 2 और शव बरामद किए गए हैं। वहीं भूस्खलन से मदमहेश्वर धाम मंदिर को खतरा बताया जा रहा है। इस खबर आई है पर्यटन योजनाओं की धनराशि जारी करें केंद्र, तो महाराज ने कहा है, तो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री एवं संस्कृत राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल से मुलाकात कर उत्तराखंड की विभिन्न पर्यटन योजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। और खबर है रुड़की से जहाँ पे रुड़की में हैवान बना पति पत्नी को दांत से काटा, तो रुड़की के अम्बेडकर नगर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को दांतों से काट काट करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। विवाहिता के चेहरे समेत शरीर पर विभिन्न जगहों पर दांतों के काटे जाने के कई जख्म हैं। विवाहिता को गंभीर हालत में इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहाँ पीड़िता ने मायके वालों ने पुलिस की घटना को जानकारी दी। वहीं पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। और खबर है गैरसैंण में प्रदेश प्रधान संगठन का चुनाव 26 को होगा। वही खबर है यह सोना प्रति 10 ग्राम 51,000 रुपये के पार पहुंच गया है। उत्तराखंड के 4 कॉलेजों को नए तकनीकी कोर्स की मान्यता दी गई है, तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इस सत्र उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े विषयों को मान्यता दी है। वहीं सत्र 2020-21 के लिए आवेदन करने वाले उत्तर प्रदेश बिहार उत्तराखंड के 96 कॉलेजों में से 19 को ही ऑनलाइन परीक्षण के बाद नए कोर्स शुरू करने की अनुमति दी है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी निकली हुई है सुपरवाइजर की, इसमें टोटल 49 पद हैं, तो इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं 105 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, तो इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन साइट दी गई है, 30 जुलाई तक अंतिम तिथि है। टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, तो 7 अगस्त तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी वेबसाइट दी गई है diat.ac.in। वहीं PPSC में 53 इंजीनियरिंग एवं अन्य पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बात करें विकास नगर की खबरों की, तो विकास नगर से खबर आई जहां पर चक्राता में 12वां कोरोना संक्रमित मिला है, तो गुरुवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट में हुई एक बच्ची में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इस खबर आई है ओलावृष्टि व तूफान से तबाह हुई है फसलें, तो गुरुवार शाम को सीमांत क्षेत्र में कई ग्रामीण इलाकों में भारी ओलावृष्टि व तूफान से किसान के बागवान की मेहनत पर पानी फिर गया है।
ऋषिकेश में एम्स में 4 स्थानीय समेत 15 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में खबर आई है जहां पे मनसा देवी से भूस्खलन रोकने को सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। इसी तरह खबर आई है दहेज के लिए पत्नी को 3 तलाक बोला, मुकदमा दर्ज हो गया है। इस खबर आई हरिद्वार से जहां पे हिंदुस्तान यूनिलीवर में अब तक 425 कोरोना संक्रमित मिल गए हैं। कंटेनमेंट जोन के लिए मांगे 50 पीआरडी जवान, तो रुड़की से खबर है जहां पे शहर क्षेत्र में बढ़ रहे कंटेनमेंट जोन के आगे अब थाने भी खाली हो रहे हैं। कंटेनमेंट जोन की संख्या को देखते हुए अब पुलिस अधिकारियों ने शहर के लिए 50 पीआरडी की मांग की है। खबर आई है हरिद्वार के जालापुर से जहां पे छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म में सभी 6 आरोपियों को जेल भेजा गया है। तो शिवालिक नगर क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में होटल मालिक भाजपा नेता समेत सभी 6 आरोपियों को गुरुवार सुबह कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें अस्थायी जेल भेज दिया गया। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार कुछ दिन बाद उन्हें जिला कारागार रोशनाबाद शिफ्ट किया जाएगा। नजीमाबाद हाईवे पर बड़े डेंजर जोन, सफर हुआ खतरनाक। तो खबर आई है दुगड्डा से। वहीं डीएलएड प्रशिक्षितों ने भर्ती प्रक्रिया न होने पर जताई नाराजगी। तो उत्तराखंड द्विवर्षीय डायड डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जल्द ही अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो अगले सप्ताह डीएम और मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा जाएगा। देवप्रयाग थाने के पास धमका गुलदार, छिप करके बचाई जान। तो पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण इलाकों के आसपास गुलदार की चहलकदमी आम बात हो गई है, लेकिन अब गुलदार पुलिस थाने के नज़दीक भी पहुंचने लगा है। मानी आबादी के नज़दीक बेखौफ धलक रहे गुलदार ग्रामीणों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। गढ़वाल से खबर है जहां पे 6 किलोमीटर पैदल चल करके अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला। तो खबर आई है 9 गांव से, जहां पे गांव में सड़क न होने के कारण 9 गांव विकास खंड के कंडाव गांव की बीना देवी प्रसव पीड़ा होने पर खुद 6 किलोमीटर पैदल चल करके सड़क मार्ग तक पहुंची। उसके बाद निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 9 गांव पहुंची, जहां उसे भर्ती कराया गया। और खबर आई है बद्रीनाथ में तुलसी माला न बिकने से मायूसी बनी हुई है। 24 से 26 जुलाई तक बंद रहेगा बर्नी घाट बाजार। तो जिले में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से क्षेत्र के व्यापारी वर्ग भी सक्रिय हो गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से व्यापारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में बाजार खोलने व बंद करने के नियम बना लिए हैं। तो खबर आई है 9 गांव बर्नी घाट से, जहाँ पे 24 से 26 जुलाई तक बाजार बंद रहेगा। पुरोला से खबर है जहां पे आग लगने से 3 मंजिला पुश्तैनी मकान खाक हो गया है। अल्मोड़ा की खबरों की बात करें तो अल्मोड़ा से खबर है जहां पे नहीं थम रहा व्यापारी राजनीति का उठा बवंडर। वहीं लेह में तैनात जवान के खाते से उड़ाए 1,20,000 रुपये। तो अल्मोड़ा से खबर है जहां पे अज्ञात लोगों ने खुद को बैंक अधिकारी बता करके बेटे को निशाना बनाया। पति और बुआ निकले हथियारे, तो खबर आई है कपकोट से, जहां पे ब्लॉक के भनार गांव में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने हत्यारोपी मृतिका के पति और बुआ को गिरफ्तार कर लिया है। सरयू नदी में डूबा नेपाली युवक, तो कपकोट से खबर है जहां पे नदी किनारे काम कर रहा एक नेपाली युवक अचानक सरयू नदी की तेज लहरों में बह गया। बागेश्वर से खबर आई है जहाँ पे झूला झूलते बालक के गले में फंसा दुपट्टा मौत हो गई है। तो कांडा तहसील के थर्प गांव में एक बालक की खेलते समय दर्दनाक मौत हो गई। पंखे के कुंडे में दुपट्टा डालकर वह झूला झूल रहा था, दुपट्टा गले में फंस गया और उसकी मृत्यु हो गई। इससे खबर आई है बागेश्वर पहुंचे 223 प्रवासी क्वारंटाइन किए गए हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संक्रमित मिले तो जिला प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए हैं। बीते दिनों जिला मुख्यालय पहुंचे थे कुलदीप, तो भाजपा प्रदेश महामंत्री में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए हैं, कई कार्यकर्ता सेल्फ क्वारंटाइन हो गए हैं। वहीं विभाग टिड्डी दल को लेकर के अलर्ट हो गया। तो अल्मोड़ा से खबर आई है रोजगार के नाम पर युवाओं को छल रही है सरकार। तो प्रदेश सरकार कोरोना जैसी महामारी के दौर में लोगों को राहत देने के में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। युवाओं को रोजगार देने के वायदे तो किए जा रहे हैं, लेकिन वायदों के अनुरूप लोगों को रोजगार मुहैया नहीं हो पा रहा है, जिससे प्रदेश की जनता में काफ़ी गुस्सा व्याप्त है। प्रदेश सरकार से रोजगार मुहैया कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। इसी साथ खबर आई है
एक माह में 20% से भी कम बारिश हुई है। इसी के साथ खबर आई है, सूखा ताल झील पुनर्जीवन के लिए बनेगा नया प्लान। इजाजत मिलते ही दो मरीजों को चढ़ाया प्लाज्मा, हालत में सुधार। तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पे एसटीएच में प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो गई है। बुधवार को एक व्यक्ति से प्लाज्मा मिलने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती दो कोरोना संक्रमितों को चढ़ाया गया, उससे उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ है। इससे खबर आई है, व्यापारी बोले वाइन शॉप खुली तो बाजार भी खुलेंगे। तो दो दिन के लॉकडाउन के दौरान प्रशासन द्वारा शराब की दुकान बंद नहीं कराई गई, तो बाजार भी संपूर्ण रूप से खुलेगा। यह निर्णय गुरुवार को व्यापारी संगठन ने लिया है। नैनीताल से खबर है, जहां पे दो नए कंटेनमेंट जोन बने हैं, 11 क्षेत्र सूची से बाहर हैं। तो जीएसटी दफ्तर कंटेनमेंट और पोस्ट ऑफिस अभी बंद रहेगा, मामले बढ़े तो और कंटेनमेंट जोन बढ़ाए जाएंगे। इससे खबर है, बीए चतुर्थ सेमेस्टर के 200 छात्र छात्राओं ने जमा कराया असाइनमेंट। तो खबर आई है, एमबीपीजी में स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर के असाइनमेंट ऑफलाइन जमा होने शुरू हो गए हैं। वही खबर आई, चंपावत और बनबसा में पकड़े गए 12 जुआरी, तो 9 वाहनों को सीज कर 62,670 रुपये बरामद किए गए हैं। चंपावत से खबर आई है, जहां पर 3 दिन में ही नेपाल ने बना डाले 300 पिलर। सहेली से करेंगी संवाद तो समस्याओं का होगा समाधान। तो चंपावत से खबर आई, जहां पे घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं और निजी तथा पारिवारिक समस्या से परेशान बालिकाओं के लिए बाल विकास विभाग का महिला शक्ति केंद्र मददगार बनने जा रहा है। तो इसके लिए टोल फ्री नंबर यहां पर जारी किया गया, अगर किसी भी बालिका या फिर महिला को कोई भी यहां पर बात करनी है, संवाद करनी है, तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 1800-123-7255, ये नंबर जारी किया है। पिथौरागढ़ से खबर आई है, जहां पर जिला चिकित्सालय में डायलिसिस की सुविधा जल्द शुरू होगी। वहीं खबर आई है चंपावत से, जहां पे एसएसबी जवान की फेसबुक आईडी हैक की गई है। खबर आई है, घरों में कोचिंग की शिकायत पर जिला प्रशासन सख्त, कोरोना काल में कोचिंग संस्थानों के संचालन पर लगी रोक के बाद अब कई संचालक घरों में ही विद्यार्थियों को कोचिंग देने लगे हैं। प्रशासन ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए चेतावनी दी है कि घरों में कोचिंग देते पकड़े आने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर में 3 दर्जन से अधिक कोचिंग संस्थान हैं, वर्तमान में ये सभी बंद हैं। इस बीच कुछ लोगों ने घरों में ही कोचिंग देना शुरू कर दिया है। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी की इसकी शिकायत मिली है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा कि घरों में कोचिंग देने वालों को पता लगाया जा रहा है, ऐसा कोई मामला सामने आता है तो संबंधित के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी के साथ खबर आई है, प्रभावितों को तत्काल सुरक्षित स्थल पर विस्थापित किया जाए। तो प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे पहुँचे आपदा प्रभावित टांगा गाँव। तो 19 जुलाई की रात्रि को तहसील बंगा पानी और टांगा गांव में हुई तबाही का जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने जायजा लिया। तवाघाट लिपुलेख मार्ग नजंग तक खुला, तो चीन सीमा का 6ठे दिन भी संपर्क कटा हुआ है। इसी साथ खबर आई है, सड़कों पर सन्नाटा, घरों में दुबके लोग। तो जसपुर से खबर है, जहां पे डीएम के निर्देश पर गुरुवार दोपहर 2 बजे से शुक्रवार रात 12 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन के आदेश जारी हैं। उधमसिंह नगर से खबर आई है, जहां पे खटीमा के रुसई क्षेत्र में चीतल का शिकार हुआ है, जिसने मुकदमा दर्ज कराया है। तो वन कर्मियों ने पहुंचे तो बाइक छोड़ करके शिकारी फरार हो गए, वहीं गर्दन पर लगी थी गोली। सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। तो खबर आई है बाजपुर से, जसपुर से खबर है, जहां पे जसपुर में किशोरी से गैंगरेप 4 पर रिपोर्ट दर्ज किया गया है। काशीपुर में नाबालिग ने मंदिर में रचाई शादी। तो कुंडा थाना क्षेत्र में एक गांव में नाबालिग जोड़े ने मंदिर में शादी रचा ली, दोनों में लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था।